खबर क्षेत्र में घर में लगे टिल्लू पंप में आए करंट की चपेट में आने से एक वर्षीय मासूम समेत उसकी मां की दर्दनाक मौत हो गई। सूचना पर पहुंची पुलिस ने दोनों मृतकों के शवों को कब्जे में लेने के बाद शवों का पोस्टमार्टम कराया। पूरी घटना थाना बेवर क्षेत्र के नबीगंज इलाके से जुड़ी है। यहां की रहने वाली 30 वर्षीय प्रियंका पत्नी अनिल कुमार और पिन्नू, जो की अपनी एक वर्षीय मासूम पुत्री पलक के साथ निवास करती थी। उनके पति अहमदाबाद में प्राइवेट नौकरी करते हैं। 24 सितंबर के दिन सुबह दोनों मां पुत्री के शव घर में पड़े मिलने से पूरे इलाके में हड़कंप मच गया। आनन फानन में आसपास के रहने वाले परिजन जब मौके पर पहुंचे तो देखा कि घर के नल में लगे टिल्लू पंप में विद्युत करंट चला था, जिसकी चपेट में आने से दोनों मां पुत्री की मौके पर ही दर्दनाक मौत हो चुकी थी। घटना के बाद से पूरे इलाके में हड़कंप मच गया। घटना की जानकारी पड़ोस की रहने वाली किशोरी द्वारा दी गई। जब किशोरी मासूम पलक को खिलाने के लिए घर गई तो उसने घर का नजारा देख चिल्लाना शुरू कर दिया, जिसके बाद यहां हाहाकार मच गया। सूचना मिलते ही मौके पर पुलिस पहुंच गई। पुलिस ने दोनों मृतकों के शवों को कब्जे में लिया और शवों का पोस्टमार्टम कराने के बाद सब परिजनों को सौंप दिए हैं। ये मृतका आपकी कौन थी, क्या हुआ, पूरी बात बताइए, कैसे क्या हुआ? बता रहे एक बच्ची की भी मौत हुई है, आप लोगों को कैसे जानकारी हुई? बाद में पड़ोसी एक बिजलिया पहुंची घर के भीतर, उनके अब उसने बताया करंट लग गया, वो चिट भी पड़ी है। अब मेरे पास मौके पे मौत हो गई दोनों की। घर पे कौन कौन रहता था? कब की घटना है ये?